कैंडल ला रहा है ना, कैंडल फर्स्ट वार्म गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू एंड विश यू वेरी वेरी हैप्पी नर्सेस डे टू ऑल ऑफ यू इन 2024। आज का दिन नर्सिंग कम्युनिटी के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट दिन है, जिसको कि हम एक सेलिब्रेशन के रूप में करते हैं। सेलिब्रेशन क्यों करते हैं? देखो, सेलिब्रेशन करना एक बहुत इजी टास्क है कि आओ बैठो, सेलिब्रेट कर लो, मिठाई खा लो और फिर चले जाओ। मिस फ्लोरेंस नाइटिंगेल की जब हम हिस्ट्री देखते हैं तो आज जितने भी सीनियर लीजेंड्स हमारे नर्सिंग प्रोफेशन के हमारी सोसाइटी के अंदर मौजूद है, उन सब में यदि हम देखेंगे तो आप जितने पुरानी नर्सेज देखोगे तो उनके अंदर कहीं ना कहीं मिस फ्लोरेंस नाइटिंगेल की छवि दिखाई देती है आपको। अब जैसे जैसे न्यू ट्रेंड आ रहा है तो हम उस नर्सिंग जो सोसाइटी और जो कम्युनिटी जो सोचा था फ्लोरेंस नाइटिंगेल ने अपने ड्रीम में जब इस नर्सिंग कम्युनिटी को बनाया, हम कहीं उस ड्रीम से दूर हो रहे हैं। तो इस सेलिब्रेशन को मनाने का एक जो उद्देश्य है कि मिस फ्लोरेंस नाइटिंगेल ने जो नींव रखी, जो एथिक्स रखे, जो व्यूज रखे और जो उनका थॉट था, उसको हम आगे लेके जाएं। मिस फ्लोरेंस नाइटिंगेल का बर्थ 12 मई 1820 को हुआ था, तो 12 मई को उनके जन्म के उपलक्ष्य में ही, मींस उनकी बर्थ एनिवर्सरी के उपलक्ष्य में ये हम फ्लोरेंस नाइटिंगेल का नर्सेस डे सेलिब्रेट करते हैं। 2024 1820 से कम से कम एक शतक आगे हम आ चुके हैं, दो शतक आगे आ चुके हैं, और इन शतक के बाद में हम निरंतर नर्सिंग कम्युनिटी के अंदर इंप्रूवमेंट हो रहे हैं। जब फ्लोरेंस नाइटिंगेल की हिस्ट्री के टाइम की बात करें तो इतनी हमारे पास साइंस नहीं थी, आज हमारे पास बहुत अच्छी, बहुत डिटेल में हमारे पास साइंस है और बहुत डिटेल में हम स्टडी कर रहे हैं। हमारे कोर्सेज आगे बढ़ गए GNM, BSc, MSc, PhD तक, और नर्सिंग कम्युनिटी और नर्सिंग प्रोफेशन का ग्रोथ एंड डेवलपमेंट प्रॉपर तरीके से हो रहा है। तो आज के सेलिब्रेशन पे मेरा जो एक मेन मोटो वो ये है कि जब हम नर्सिंग कम्युनिटी के अंदर आते हैं या नर्सिंग प्रोफेशन के अंदर जब हम आते हैं तो सबसे ज्यादा नर्सिंग के जो एथिक्स और जो ह्यूमैनिटी है वो एस्पेक्ट हमारे माइंड के अंदर रहना चाहिए, जो उन्होंने सोचा। क्योंकि नर्सिंग एक ऐसी, नर्सिंग को हमेशा बोला जाता है नर्सिंग इज ए नोवेल प्रोफेशन। नोवेल क्यों बोला गया इसको? पैसा आप हर प्रोफेशन के अंदर कमा सकते हो, पैसा कमाने के सोर्सेज बहुत तरीके हैं, बहुत जरिया है, बहुत रूप है। नर्सिंग के अंदर लोग क्यों आते हैं? क्योंकि नर्सिंग के अंदर एक ह्यूमैनिटी आती है, नर्सिंग के अंदर एक सोशल सर्विस आती है, और जहां सोशल सर्विस है और हमें पैसा भी मिल रहा है। तो नर्सिंग के अंदर आने से हमें दो फायदे होते हैं, हमारा घर तो चल रहा है जो चल रहा है, उसके अलावा हमें एक ह्यूमैनिटी या सर्विस करने का हमें एक अपॉर्चुनिटी मिलती है। और इस बार हमारे जो थीम आई है इंडियन काउंसिल ऑफ नर्सेज की तरफ से, ओवर नर्सेज ओवर फ्यूचर, द इकोनॉमिक पावर ऑफ केयर। देखो ये वर्ड क्या बोला, द इकोनॉमिक पावर ऑफ केयर। यदि आप वर्ड का मीन समझोगे इकोनॉमी, इकोनॉमी मीन्स एक पैसे से डेवलपमेंट नहीं है, कि इकोनॉमी मीन्स ग्रोथ इज द मनी। सबसे पहले केयर, यदि कोई पेशेंट आ रहा है तो उसके ट्रीटमेंट के लिए इकोनॉमी कितना भी पैसा हो, केयर इज द इकोनॉमी ऑफ द पर्सन एंड इकोनॉमी ऑफ द पेशेंट। उस पेशेंट का राइट है केयर करना। केयर कौन प्रोवाइड करता है? नर्स। और नर्स इज ए वाइटल रोल इन अवर सोसाइटी। वाइटल रोल मींस ये एक ऐसी सोशल सर्विस है, नर्स एक ऐसा रोल है जो कि हमेशा पीछे खड़े रहकर इस सोसाइटी को अपलिफ्टमेंट किया है। कोरोना के दौरान आपने देखा होगा, फ्लोरेंस नाइटिंगेल की जब हिस्ट्री देखते हैं आप तो आपने देखा होगा कितना स्ट्रगल किया उन्होंने। यदि आप हिस्ट्री पढ़ोगे तो बहुत स्ट्रगल आपको दिखाई दिए गए कि इस ह्यूमैनिटी को एस्टेब्लिश करने में उन्होंने कितना स्ट्रगल किया है। इस स्ट्रगल के बाद में आज जब हम देखते हैं कि नर्सेज का जो रोल चेंजेस होते आए, केयर का इंप्रूवमेंट हुआ है, बहुत साइंस डेवलप हो गई है, तो जो हमारी मिस फ्लोरेंस नाइटिंगेल ने जो स्ट्रगल किया उस दौरान, उन्होंने बहुत जगह चेंजेस की, बहुत जगह घूमी, बहुत जगह गई। क्रिमियन बार आया, उनके टाइम पे क्रिमियन बार आया, हमारे टाइम पे कोरोना का बार आया, और हमने एक बहुत अच्छा रोल प्ले करा कोरोना के अंदर। पूरे वर्ल्ड, पूरे विश्व को हमने प्रूफ किया कि नर्सेज आर द इंपॉर्टेंट रोल इन ओवर हेल्थ केयर डिलीवरी सिस्टम। एंड अगेन बस इतना सा ही मैं बोलना चाहूंगा, क्योंकि सारी चीजें आपको भी पता है, लेकिन ट्राई टू इंप्रूव योर सेल्फ एंड ट्राई टू एडॉप्ट द एथिक्स एंड प्रिंसिपल्स ऑफ अवर नर्सिंग प्रोफेशन एंड ट्राई टू एडॉप्ट द एथिक्स एंड रूल्स एंड रेगुलेशंस एंड मॉरलिटी। मॉरलिटी की जब बात आती है, जब सिद्धांतों की बात होती है, तो हमें नर्सिंग की मिस फ्लोरेंस नाइटिंगेल से हमें सीखना चाहिए और हमें हमारे जीवन में अडॉप्ट करना चाहिए। 2024 आ चुका है, आगे आप इस नर्सिंग प्रोफेशन के फ्यूचर हैं, आप इसे आगे बढ़ाइए और अच्छे तरीके से रखिए और नोवेलिटी अपने जीवन में रखिए, क्योंकि बिना मॉरलिटी और नोवेलिटी के कोई भी चीज सक्सेस नहीं होती। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर। ठीक है सर।
I just want to describe the meaning of nurse. N is for notable and willing to share. U is for understanding what she really cares. R is for reliable, right from the start. S is for sincere, with a loving heart. E is for energetic, so much to behold. Nurse, a special one, is she more precious than gold? स्टार्ट करो Thank you.
फोटो में तो आ जा, इधर हिमांशु फोटो में तो आ जा, इधर तो आ जा, फोटो में क्या हो रहा है? पूरे सर क्या कर रहे हो? हैप्पी नर्सेस डे टू ऑल। जैसा कि आपको सबको पता है, हम नर्सेस डे सेलिब्रेशन कर रहे हैं और कोचिंग में गुंबज नर्सिंग एकेडमी में हम जो ये सेलिब्रेशन कर रहे हैं, एक अच्छी पहल है, अच्छी शुरुआत है। हम सबको एक कल्चरल रहने का, सोशल रहने का तरीका है। हम आपस में एक साथ मिलते नहीं हैं जनरली, और मिलते हैं तो केवल पढ़कर फॉर्मेलिटीज़ के तरीके से आते हैं और चले जाते हैं। कभी कभी होता है जब हम अपनी एक्स्ट्रा एफिशिएंसी स्किल्स को दिखा पाते हैं और बाहर आते हैं। आप सभी यहाँ पर आए, स्पीच दी, डांस किया, और साथ में हमने फ्लोरेंस नाइटिंगेल के लिए हमने लैंप लाइटिंग करके उनका बर्थडे सेलिब्रेशन किया। अच्छा, नर्सेस डे सेलिब्रेशन, एक नर्स होने के तरीके से हमें सबसे पहले पेशेंट के लिए डेडिकेटेड होना पड़ता है, केयर के लिए। और जो थीम है ICN इंडियन काउंसिल नर्सेज ने जो थीम बनाई है, द इकोनॉमिक पावर ऑफ केयर, मतलब यह है कि नर्सिंग की जो केयर है, पिछले कुछ सालों से हमारी पहचान अच्छी बनी है कोविड के बाद में स्पेशली। उससे पहले नर्सेज को इतना ज़्यादा आका नहीं जाता था, अब ज़्यादा समझने लगे हैं, क्योंकि हमने वो डेडिकेशन दिखाया है जहाँ पर सब लोग पीछे हट गए थे, वहाँ हम लोग आगे थे। और नर्सेज के इसी धैर्य को देखते हुए हम नर्सेज को काफ़ी प्रमोशन मिला है, लोगों में पहचान बनी है। इसी थीम को आगे बढ़ाते हुए ऐसा माना गया है कि पावर ऑफ द इकोनॉमिक पावर ऑफ केयर, इकोनॉमिक पावर ऑफ केयर से रिलेशन यह है कि अगर केयर अच्छी मिलेगी, पीपल, जनता, पब्लिक को केयर अच्छी मिलती है तो हेल्दी रहती है, और हेल्दी जो सोसाइटी रहती है उससे ग्रोथ होती है, हेल्दी सोसाइटी से इकोनॉमिक ग्रोथ होती है, अनहेल्दी सोसाइटी हमेशा इकोनॉमिकली पुअर होती है, अनहेल्दी सोसाइटी हमेशा इकोनॉमिकली पुअर होती है। सबसे पहले अभी चाइना में कुछ सालों पहले एक पॉलिसी लाए थे, वन चाइल्ड पॉलिसी, उन्होंने क्या हुआ, वन चाइल्ड पॉलिसी लाए और वन चाइल्ड पॉलिसी के बाद में एक बच्चा पैदा करने के बाद में वो लोगों ने बंद कर दिया दूसरा बच्चा पैदा कर। एक टाइम ऐसा आया 20 साल बाद में कि उनके पास यंग जनरेशन कम पड़ गई, ओल्ड जनरेशन ज़्यादा हो गई, और वो इकोनॉमी पर एक बड़ा झटका लगा अचानक, क्योंकि ओल्ड जनरेशन उतना एफिशिएंट नहीं है कि वो GDP बढ़ा के रखे। तो यंग जनरेशन बराबर रखने के लिए हमें यंगस्टर्स की जरूरत होती है, उनको हेल्दी रखने की जरूरत होती है। तो उनके नंबर हमारे ओल्ड एज पीपल्स के बराबर हो या उनसे ज़्यादा होंगे तो हम ज़्यादा ग्रो करेंगे। तो उसी थीम को लेकर हम बात करेंगे, इकोनॉमी, इकोनॉमी पावर ऑफ केयर, केयर के बाद भी इकोनॉमी बढ़ेगी। आपकी केयर अच्छी होगी तो हेल्थ अच्छी होगी, हेल्थ अच्छी होगी तो इकोनॉमी अच्छी। ये थीम थी। नर्सेस डे की बात करते हुए अब सर ने काफ़ी कुछ बता ही दिया है मिस फ्लोरेंस नाइटिंगेल के बारे में। इनका डेडिकेशन था जो पहला एग्जाम्पल था हम सबको प्रेरित करने के लिए, इनका डेडिकेशन था जो पहला एग्जाम्पल था हम सबको प्रेरित करने के लिए। हम तो इनके रास्ते पर चलते आ रहे हैं, मॉडिफिकेशन जमाने की जरूरत होती है, होता रहता है।
मॉडिफिकेशन जमाने की जरूरत होती है, हर जमाने में चेंजेस आते रहते हैं और चेंजेस बनते रहते हैं। तो अगर बात करें हम केयर की, तो हमें सबसे पहले हमारे फील्ड में जाकर जहां हम काम कर रहे होते हैं, जहां हम कार्य करने वाले होते हैं, और एज ए नर्सिंग स्टूडेंट, एज ए नर्सिंग ऑफिसर या फिर नर्सिंग में किसी भी पद पर आप कार्यरत हो, आप अपने कार्य क्षेत्र में या वर्क प्लेस पर तो काम करते ही हो। ये हम्बल रिक्वेस्ट होती है सबसे, और हम आपसे एक्सपेक्ट भी करते हैं कि आप पोलाइटली काम कर रहे हो वहाँ पर, डेडिकेटेड काम कर रहे हो वहाँ पर, पेशेंट के फायदे के लिए बात कर रहे हो वहाँ पर, अपनी एथिक्स और लिमिट्स में रहकर काम कर रहे हो और पॉजिटिव ही काम कर रहे हो, ऐसा तो हम आपसे एक्सपेक्ट करते हैं। जनता भी आपको यही मानती है और पब्लिक आपसे यही विश्वास करके आती है, तो आप उनको इतना आउटपुट दे पाएंगे, ये भी इंश्योर करना है आपको। उसके अलावा आप समाज में रहते हो, परिवार में रहते हो, तो समाज के लोगों को आपसे क्या एक्सपेक्टेशन होती है कि वो आदमी, फलाना लड़का या वो लड़की, वो वहाँ पर नर्सिंग स्टाफ है, नर्सिंग ऑफिसर है, या फिर वो ऐसे पढ़ाई किया हुआ है, तो आप में वो स्किल है जो उसकी ज़रूरत बन सकती है, आप में कुछ स्किल वो है तो मुसीबत के टाइम आप किसी और के काम आ सकते हैं। इस स्किल को डेवलप करने का नाम ही नर्सिंग है। आप में वो स्किल है, इस स्किल के भरोसे आपकी रोजी रोटी चलेगी, आपका व्यवसाय चलेगा, आपको अपनी जीवन को यापन करने के लिए पैसा मिल रहा है, इसके साथ साथ दुआएं मिल रही है, इसके साथ साथ आपको मानव सेवा करने का मौका मिल रहा है। तो ये मानव सेवा करने का जो मौका है, इसको आप अगर एंजॉय करके करोगे तो आपको ड्यूटी से मजा आने लगेगा, आपके कार्य से मजा आने लगेगा। ठीक है, मजबूरी में तो नहीं करना चाहिए, एंजॉय करके ही करना चाहिए। वर्क से, अपने काम से प्यार होना चाहिए, काम से प्यार होने से आपकी एफिशिएंसी बढ़ती है, आपका दिमाग एक्टिव रहता है, एक्टिव रहने से आप और नई चीज़ें करने की सोचते हो। ठीक है, मजबूरी में करने से कुछ नहीं होता है।